दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर बैठे हैं ग्रीन बी ईटर्स। अभी तो एक बैठा हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दो और हैं। मैंने अभी देखा उनको उड़ के जाते हुए। और ड्रोंगोस की तरह ही एरियल सैली करके ही ये लोग भी इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बी ईटर, तो मेनली ये बीज को और दूसरे इस तरह के इंसेक्ट्स जो होते हैं, ड्रैगन फ्लाईज, वैस्प वगैरह, जो फ्लाई मतलब उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं, उनको ये हवा में ही पकड़ लेते हैं। तो एरियल सैली ही बोलते हैं इसको। और किंगफिशर्स और रोलर्स की तरह ये कोरासी फॉर्मिस फैमिली से ही हैं। पर्चिंग बर्ड्स हैं, देखिए कलर्स कितने ब्रिलियंट हैं इनके। थोड़ा और जूम करती हूँ मैं, देखिए ग्रीन कलर है प्रेडोमिनेंटली, इसलिए ग्रीन बीटर इसको कहते हैं। और इसके अलावा थोड़ा हल्का ब्लूइश कलर भी होता है इनकी बॉडी में, और जो हेड का पार्ट है उस पे चेस्टनट कलर या ब्राउनिश कलर होता है। तो इन इस स्पीशीज़ के अलावा जो है चेस्टनट हेडेड बी ईटर भी होता है, और जो आपके ब्लू टेल ब्लू ब्लू बियर्डेड बी ईटर्स भी होते हैं। इस पेड़ पर भी मेरे ख्याल से आ गए हैं, कि आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे बी ईटर्स उड़ रहे हैं, उस तरफ भी हैं, हवा में उड़ते हुए ही आपको दिख जाएंगे। ये देखिए उड़ के जा रहा है, और इस तरफ वायर पे आके बैठ गए हैं। ये रहा, ये देखिए सामने से जो उड़ के गया ये बी ईटर है, और ये उड़ के वापस इसी वायर पे आके बैठ जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर दो बी ईटर्स बैठे हुए हैं। अब आप देखिए इसका जो इसके जो टेल फेदर्स हैं, उसमें बीच वाला जो टेल फेदर है वो बिल्कुल लंबा है। मैं यहीं पर फोकस करके रख रही हूँ, क्योंकि ये बार बार उड़ के यहीं पे आके बैठते हैं। तो जो बीच वाला टेल फेदर है वो आप देखिए अलग ही बाहर निकला हुआ है। तो ब्लैकिश कलर के टेल फेदर्स हैं, और जो इसका बीक है और आई के पास में जो एरिया है वो थोड़ा सा ब्लैक है, बाकी मोस्ट ऑफ द बॉडी ग्रीन कलर का है, इसलिए एशियन ग्रीन बी ईटर इसको कहते हैं। देखिए अब ये यहाँ पर आ गया, तो ये पूरे में उड़ रहे हैं, और मैं कई दिनों से इनको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये देखिए फ्रंट वाले पेड़ पर भी आकर बैठ रहे हैं। और एक यहाँ पर नीचे बैठा हुआ है, दो आ गए हैं अब यहाँ पर। इनकी जो फ्लाइट होती है, क्योंकि विंग्स जितने भी बर्ड्स के छोटे होते हैं ना, तो उनकी फ्लाइट शॉर्ट होती हैं, और विंग्स की फ्लैपिंग भी जो है वो लंबे समय तक कंटिन्यूअसली नहीं कर पाते हैं, कि टायर्ड हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि शॉर्ट बीट्स जो है उनके विंग्स की होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा फ्लैप करते हैं, और उसके बाद वापस आकर किसी पर्च पर बैठ जाते हैं। तो इनको इतना ही चाहिए अपना प्रे पकड़ने के लिए। तो ये खासियत होती है, अगर स्पेशल इनकी फ़्लाइट में कैप्चर कर पाई कैमरे से, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और आवाज़ जो है इनकी हल्की सीटी जैसी होती है, और बहुत लाउड नहीं होती, माइल्ड आवाज़ होती है। और पैसरीफॉर्मिस ऑर्डर में ये है भी नहीं। अब देखिए ये जैसे अभी उड़ के गई, और ये वापस वहीं आ जाएगी। ये देखिए ये फ्लाइट थी इसकी। ये देखिए यहाँ पर आके वापस बैठ गई, ये उड़ी। ये दूसरा वहाँ पे बैठा हुआ है अभी भी। उड़ के शायद इस तरफ कहीं पे आ गया, यहाँ नीचे भी उड़ रहे हैं। तीन चार बी ईटर्स हैं आज। मैं इसीलिए थोड़ा लेट आई, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि 3:30-4 बजे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और इस टाइम पे बर्ड्स मिल नहीं रहे थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट आज निकली हूँ 5 बजे के बाद, और ये मुझे मिल गए हैं बी ईटर्स।
ये देखिए फ्लाइट इनकी उड़ के गया यहाँ से, बहुत फास्ट उड़ते हैं ये एक जगह से दूसरे जगह। ये देखिए ये यहाँ पे आके बैठा है और ये खा भी रहा है। ये देखिए इसके मुंह में इंसेक्ट है अभी, ये देखिए खा लिया इसने, अभी भी है। ये देखिए उसको खाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए अभी भी उसके मुंह में है। समर टाइम में ये वाली बर्ड्स बड़ी कॉमनली दिखाई देती हैं। ये देखिए अभी भी इसने शायद तो खा लिया है, मुंह में तो मुझे नहीं दिख रहा है कुछ इसके बीक में। ये एक और पेड़ पे आके बैठ गई है, ये रही। ये जो मिडल वाला फेदर है टेल का जो बाहर निकला हुआ है, इसी से दूर से देखकर इनका सिलुएट देखकर भी कोई बता सकता है। ये देखिए फ्लाइट कि ये बी ईटर है, तो ये नीचे कहीं आके बैठा, ये रहा। पीछे बहुत सारे उड़ रहे हैं घास के बीच में। और ये वाला जो टाइम है अभी अभी आकाश में देखिए और बर्ड्स भी आ गई हैं। और हालांकि ये गीज वगैरह नहीं है लेकिन स्टारलिंग्स हो सकती हैं। ये वही इंडिविजुअल है जिसने अभी इंसेक्ट खाया था। मैंने इस पे फोकस इसलिए करके रखा है, ये देखिए अभी जैसे ये उड़ के जाती है ना, तो मैं आपको इसकी फ़्लाइट दिखाना चाहती हूँ कि कितनी शॉर्ट फ्लाइट होती है इनकी। अभी आपने एक देखा कि ये उड़ के गई और फिर वापस आके बैठ गई। बहुत सारे उड़ रहे हैं यहाँ पर, 5-7 बी ईटर्स हैं। और ये अभी उड़ के उस तरफ गई और ये वापस आ गई वहीं पर। अच्छा उस तरफ एक ड्रोंको भी है मेरे ख्याल से। ये ड्रोंको बैठा हुआ है। ये वीडियो जब तक आएगा उससे पहले एक दो डिटेल्ड वीडियोस मैंने ड्रोंको पर भी डाला हुआ है। ब्लैक ड्रोंको है ये। ये नीचे आके बैठ गई हैं बी ईटर। मुझे ये बहुत स्पेशल लगते हैं क्योंकि मेरी बर्डिंग शुरू ही इनसे हुई थी। मेरी बालकनी के सामने तार पे आके ये बैठ गई थी और इतनी सुंदर और इतनी कलरफुल चिड़िया मैंने पहली बार देखी थी। तो मैंने इसको आइडेंटिफाई किया अपने फ्रेंड्स के हेल्प से और उसके बाद फिर मैं अलग अलग बर्ड्स को फोटोग्राफ करती रही और उसके बारे में पूछती रही अपने दोस्तों से। और इसी तरह से धीरे धीरे बर्डिंग में इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया। उसके बाद मैं दूर दूर भी जाने लगी जहाँ पर स्पेसिफ़िक बर्ड्स मिलती हैं नेशनल पार्क्स वगैरह में। काजीरंगा, भरतपुर, रणथंबोर, गिर, कालागढ़, काफ़ी जगह मैं गई। तो वो जर्नी भी अच्छी रही मेरी और उम्मीद है कि आगे भी बर्ड्स के साथ जर्नी ऐसी अच्छे से कटती रहेगी। डे के अंदर, पूरे दिन के अंदर जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग बर्ड्स एक्टिव होते हैं। तो कुछ होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग में बिल्कुल एक्टिव होते हैं, जैसे सन बर्ड्स वगैरह मैंने देखा है कि वो सुबह के टाइम 11 बजे तक बहुत एक्टिव रहते हैं।
टेला बर्ड्स जो हैं वो दोपहर के टाइम बहुत एक्टिव रहती हैं। जैसे दोपहर में आप अगर 1 बजे से लेके 4 बजे तक देखें, टेलर बर्ड्स की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी और दिखाई भी देंगे। और जो ये बी ईटर्स हैं, इनका मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि ये शाम के समय सूर्यास्त से पहले जो 1-1.5 घंटे का टाइम होता है उसमें ये बहुत एक्टिव होते हैं। क्योंकि कल परसों इसी जगह पर मुझे 4 बजे के आसपास एक भी पक्षी नहीं दिखाई दे रहा था, और आज जब मैं 1.25 घंटा लेट आई हूँ तो मुझे बहुत सारे बी ईटर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कल मैं इसीलिए सरप्राइज थी क्योंकि इस जगह पर जनरली ये देखिए दूसरा बी ईटर भी आके बैठ गया। मेरे ख्याल से वो उसको खिला रहा है, उसके लिए कुछ ले के आ रहा है। तो ये हो सकता है कि ये मेटिंग कपल हो, तो जल्दी ही ये नेस्ट भी बनाएंगे। देखिए मोस्ट लाइकली ये मेटिंग कपल ही है। तो ये इसी समय पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो कल 1 घंटे पहले जब मैं आई थी तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि इतने कम बी ईटर्स कैसे हैं। आवाज़ तो काफ़ी सुनाई देती है, घर से भी सुनाई देती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आज डिले कर दिया। और देखिए आज कितने सारे मिल गए और बहुत ही सुंदर देखने में लगते हैं ये मुझे। और जो ये आवाज़ आपको हल्की सीटी जैसी सुनाई दे रही है, इसके साथ इसकी पूंछ भी हिल रही है, ये बी ईटर की ही आवाज़ है। ये देखिए ये फिर से आके बैठ गया यहाँ पे। फ्लाइट इनकी इसी तरह की होती है जो अभी आपने देखा, यही इसकी फ़्लाइट है। ये देखिए फिर आ गया। तो ये एक पेयर है मोस्ट लाइकली। थोड़ी देर सिर्फ आवाज़ें सुनिए थोड़ी सी। ये देखिए ये बी ईटर्स की आवाज़ है जो अभी आपने सुनी। उम्मीद है आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि इस कैमरे के साथ माइक नहीं लगता।